ठीक है बच्चों, लिख लेगा इसको आराम से, घर पे सॉल्व कर लेना। बस ये लिख लो, कैसे होगा, बस क्वेश्चन पढ़ने के बाद आइडिया होना चाहिए। ठीक ना, कर लेना खुद से। बस इसमें समझने वाली बात इतना ही थी कि ये जो 60 kg परफॉर्मर है, इसका वेट इस टोटल वेट में से माइनस करना था। आ गया ना, कितना आया बोलो? इसका आंसर पड़ा होगा यहाँ पे, क्योंकि तो सॉल्व में है ये वाला क्वेश्चन करना। चलो इधर वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। इसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा, आराम से इस क्वेश्चन को लिख लो तो जरा। हाँ, इस क्वेश्चन को लिख लो, लिख लो। और एक कॉन्सेप्ट इसमें एक लगेगा, वो मैं बता रहा हूं। अब दो दो वायर होंगे, एक नहीं दो वायर है, ठीक है ना? तो दोनों दो वायर हो तो क्या करोगे? देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन भी है, नंबर में न्यूमेरिकल कितने का, दो का आता है ज्यादा से ज्यादा, बहुत अगर कृपा होगी तो तीन का आएगा। ठीक अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिख लेना। इसमें एक कॉन्सेप्ट है इसलिए बोल रहा हूं लिखने को, अगर पुराने क्वेश्चन को होता नहीं बोलता लिखने को। लिख लो, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट। इसमें वाई कॉपर आपको पता होना चाहिए, तो वाई कॉपर मैं लिख दे रहा हूं। बच्चों वाई कॉपर है, कॉपर का वायर है ना, कॉपर वायर, ठीक है। वाई कॉपर है 1.1 × 10⁻¹⁰ पास्कल, और वाई स्टील है 2 × 10⁻¹⁰ पास्कल, 2 × 10⁻¹⁰ पास्कल। ठीक है बच्चों, ये 11 है, ध्यान देना थोड़ा सा, 2 × 10⁻¹⁰ पास्कल। ठीक है, अटेम्प्ट करना जरा इसको, 2 × 10⁻¹⁰ पास्कल। ठीक है, लिख लिया ना सबने क्वेश्चन? अटेम्प्ट करो बच्चों, दिमाग में बताओ क्या चल रहा है। ठीक है, अब देखो बताते हैं इसमें बच्चों, इसमें देखो बोल रहा है कि टोटल इनका टोटल कितने से कॉम्प्रेस हुआ वो दिया है आपको, कि नेट इलांगेशन। यहां पे सिचुएशन समझ लो बच्चों, क्या होगा, एक इस तरह से कॉपर का वायर होगा, फिर स्टील का वायर होगा, और दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया कॉपर एलन वो तो डायमीटर, दोनों का ए सेम है, क्योंकि तो दोनों का डायमीटर क्या है, सेम है। तो बेटा दोनों का ए सेम है, लेकिन दोनों का एल अलग अलग है। कॉपर का जो एल है वो 2.2 है, ये ऊपर वाला वायर कॉपर मान रहा हूं मैं, और नीचे वाला वायर स्टील मान रहा हूं। तो इसका लेंथ जो है वो 2.2 है, और इसका जो लेंथ है
स्टील का जो लेंथ है वो कितना बच्चों, स्टील का लेंथ है 1.6, स्टील का लेंथ है 1.6 मीटर और यहाँ एरिया उसका ऐसे दे रखा है। अच्छा, ऑब्टेन द लोड अप्लाइड, और यहाँ पे बच्चों कुछ लोड अप्लाई किया गया है, यहाँ पे ऐसे वेट लटकाया गया। देखो इसके न्यूमेरिकल थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, थोड़ा समझना है इसको, ठीक है ना, और कंपटीशन में ज्यादातर इसके न्यूमेरिकल ही आते हैं, ठीक है। ऐसे देखो बच्चों, अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि नेट इलांगेशन इज फाउंड टू बी दिस। तो बच्चों कुछ कॉपर वायर इलांगेट हुआ होगा, कुछ स्टील वायर इलांगेट हुआ होगा, दोनों का कंबाइन क्या दिया है 0.70 mm। तो देखो यहाँ पे यानी डेल्टा स्टील, डेल्टा एल स्टील प्लस डेल्टा एल कॉपर दोनों मिलके कितने हैं 0.70 mm है, एमएम है, यूनिट याद रखना एमएम है, ठीक है ना, एमएम है। अब बच्चों और क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है, और इंफॉर्मेशन में वाई स्टील आपको बताया था कितना बताया था 1.1, अरे कॉपर का था ये, कॉपर का था, स्टील का कितना था 2 × 10⁻¹₁ पास्कल, पास्कल दोनों की यूनिट थी। अब देखो बच्चों हमें इक्वेशन बनानी है, हमें क्या करना है इक्वेशन बनाना है, तो जितना वेट इसके ऊपर लग रहा था उतना वेट ऊपर वाले के ऊपर भी लग रहा था, हम इसके वेट को अप्रोक्सीमेटली नेग्लेक्ट कर देंगे, जो रॉड का वेट है उसको अप्रोक्सीमेटली नेग्लेक्ट कर देंगे। जैसे इस वाले को मान लो इसका वेट जो है 100 न्यूटन था मान लो, तो इस स्टील के ऊपर भी कितना कितना फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, और इस कॉपर के ऊपर भी कितना फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, तो एफ की वैल्यू दोनों की सेम है। तो बच्चों डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगा लूं, वेट अपॉन, दोनों का एरिया भी सेम है क्या, एरिया भी सेम है बेटा, क्योंकि 3 3 mm डायमीटर दोनों का है, तो दोनों का एरिया भी सेम है कि नहीं। तो बेटा पहले मैं इक्वेशन में डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई सी इंटू डेल्टा एल सी अपॉन एल सी कर लूं, तो बेटा वाई सी अपॉन डेल्टा। अच्छा इसी तरह से मैं दूसरा बना लूं, डब्ल्यू बाई ए इज इक्वल्स टू वाई एस इंटू डेल्टा एल एस अपॉन एल एस। बच्चों दोनों का राइट हैंड साइड इक्वेट सेम है, इक्वेट कर दूं, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, इक्वेट कर दूं, बेटा यहां से इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा, यहां से इक्वेट करोगे तो मिलेगा वाई सी इंटू डेल्टा एल सी अपॉन एल सी विल बी इक्वल टू वाई एस इंटू डेल्टा एल एस अपॉन एल एस। वैल्यूज डाल दो, वाई सी की वैल्यू डालो, वाई सी की वैल्यू कितनी है 1.1 × 10⁻¹, डेल्टा एल सी तुम्हें पता नहीं ऐसे ही छोड़ दो, एल सी तुम्हें पता है लेंथ ऑफ कॉपर कहाँ गया 2.2, और बेटा इधर आपको वाई एस पता है, वाई एस कितना है 2 × 10⁻¹₁, वाई एस पता है इंटू डेल्टा एल एस नहीं पता है छोड़ दो, अपॉन एल एस पता है 1.6। अब देखो 10⁻¹₁ 10⁻¹₁ कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना बच्चों, और क्या कैंसिल होगा 2.2 है 1.6 है, 1.6 है, हाँ, तो इसको हटा के इसको 2 2 टाइम्स कैंसिल कर सकता हूँ, इसको कैंसिल करके इस 2 से 0.8 कर सकता हूँ, हाँ इसको करके 0.4 कर सकता हूँ, तो कितना होगा 0.4 डेल्टा एल सी इज इक्वल्स टू डेल्टा एल एस, इतना लिख लो 0.4 डेल्टा एल सी इक्वल टू डेल्टा एल एस, हो गया हमारा काम, हो गया। अब कैसे हो गया देखो, अब इस वाले इक्वेशन में बच्चों ना, इस वाले इक्वेशन में डेल्टा एल एस की वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा एल सी आ जाएगा। अरे दोनों का सम 0.70 mm दिया है कि नहीं दिया है, इसको उठा के ऊपर पुट कर दो, ये बेहतरीन क्वेश्चन है याद रखना है बार। इसका वैल्यू उठा के ऊपर वाले में पुट कर दो, आ जाएगा ना जो भी आया आंसर।
हो गया बच्चों डन। ओके बेटा ठीक है। बच्चों पुट करके आप क्या निकाल लेंगे यहां से, डेल्टा एल, डेल्टा एलसी आ जाएगा ना, कितना आया डेल्टा एलसी, डेल्टा एलसी आ गया 0.5। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, आपको वेट निकालना है ना, फाइंड द लोड अप्लाइड, वेट निकालना है ना। अरे इससे डेल्टा एल एस आया कि नहीं पहले बताओ, डेल्टा एलसी आ गया कि नहीं आ गया, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो ना, डेल्टा एलसी आ गया इस इक्वेशन में पुट कर दो। बेटा वाईसी पता है, डेल्टा एलसी पता है, एलसी पता है, ए पता है, मेहनत करना पड़ेगा, ये डायमीटर दिया है, फिर रेडियस निकालना पड़ेगा, मतलब कुल मिला जुला के बहुत गंदा सवाल है इतना बोल सकता हूँ। हाँ लेकिन इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा समझ सकते हो, डेटा अच्छा देगा तो कैलकुलेट कर सकते हो। समझ आ रहा है क्या हुआ बेटा? देखो यहाँ, अब यहां से डेल्टा एलसी निकालो, लिख लेना डेल्टा एलसी निकाल के ऊपर पुट कर दो। डेल्टा एलसी सबका 0.5 आ गया ना, देखो अब डेल्टा एलसी 0.5, मैं मिटा दे रहा हूं कुछ, तो डब्ल्यू अपॉन ए, ए कितना हुआ, अगर डायमीटर दे रखा है तो रेडियस हो जाएगा पाई इंटू 3 का स्क्वायर बाई 4 इंटू 10^-4। ठीक है ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अरे नहीं क्या हुई, क्या कर दिया, समझ में नहीं आ रहा है बेटा। देखो पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, पाई आर स्क्वायर होता है, अगर डायमीटर दिया हो तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू डी बाई 2 का स्क्वायर, डी बाई 2 का स्क्वायर क्या लिख सकते हो, पाई डी स्क्वायर बाई 4। और यहां पे ये एमएम में है, किसमें है, एमएम में है ना, अरे एमएम में है, इसको तो और करना पड़ेगा, 10^-6 आएगा, ये एमएम में है तो मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10^-3 एक के लिए, तो एमएम स्क्वायर है तो कितना करना पड़ेगा, -6 इज इक्वल्स टू वाईसी, वाईसी की वैल्यू आपको पता है 1.1 इंटू 10^11, डेल्टा एलसी आपको पता है 0.5 इंटू 10^-3 डिवाइडेड बाई, अब क्या था लेंथ, लेंथ कितना है कॉपर का 2.2, ठीक है तो देख लो बस, 2.2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल वैंसिल करो इसको, बस कुछ नहीं करना है, और क्या हो सकता है इसका। अब जो है बच्चों अब सॉल्व करना है, उसमें कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फिर उसको उधर लेके चले जाओ सॉल्व कर दो। आ गया क्या हुआ हर्ष, क्या हुआ वहीं पे रुक गए तुम, पूरा लिखते नहीं हो तुम, डेल्टा एलसी निकाल लिए तुमने, अगर नहीं निकाला ना कल मैं देखूंगा नोटबुक तुम्हारी, अरे जो भी नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है आगे चलें, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आगे बताने जा रहा हूं स्कूल एग्जाम के लिए, वो सीधे सीधे 5 नंबर में आएगा, सीधे सीधे 5 नंबर में आएगा अगला जो बताने जा रहा हूं, ठीक है ना, स्कूल एग्जाम में एकदम आसान हलवा, लेकिन 5 नंबर में। ठीक है देखो इधर हटाऊं इसको, लिखो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, हाँ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, देखो बच्चों स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इसमें देखो इस तरह से वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं स्ट्रेस, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस, थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस लेते हैं, इस तरफ स्ट्रेस है और एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन लेते हैं, स्ट्रेन, ठीक है ये ग्राफ है। तो बच्चों शुरू शुरू में इसका नेचर क्या होता है, ये ग्राफ प्लॉट किया गया एक आयरन के, आयरन के लिए प्लॉट किया गया था,
स्टील के लिए बेसिकली, और उसका ग्राफ ये बनाया गया था। तो इसमें सबसे पहले क्या देखा गया कि ग्राफ कुछ समय तक जीरो से स्टार्ट हुआ और एकदम लीनियर रहा, लीनियर रहा। देख लो पहले, देख लो बाद में करना। कुछ समय तक ग्राफ स्टार्ट हुआ और लीनियर रहा, लीनियर रहा। लीनियर रहने के बाद एक सर्टेन पॉइंट आया, उसके बाद ग्राफ हल्का सा कर्व हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक और पॉइंट आया, ये ग्राफ ऊपर ही जाता जाएगा, लेकिन एक और पॉइंट आया, जैसे ये पॉइंट का नाम रखते जाता हूं, ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर अगला वाला पॉइंट पिछले वाले से ऊपर होना चाहिए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रहे। फिर एक और पॉइंट आया डी, फिर एक और नीचे, अब लास्ट में एकदम नीचे पॉइंट आएगा, उसको कहेंगे ई। मतलब ओ से ए स्ट्रेट, ए से ए के बाद फिर कर्व होना चाहिए, मतलब ये मेरा एक कंटिन्यूअस कर्व, स्मूथ कर्व होना चाहिए। मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है कि कर्व मेरा जगह जगह से टूटा हुआ लिख रहा है, लेकिन इस बिल्कुल स्मूथ कर्व होना चाहिए। तो एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी, एक पॉइंट डी, बस ये याद रखना है कि ए से ऊपर बी होना चाहिए, बी से ऊपर सी होना चाहिए, और सी से ऊपर डी होना चाहिए। ग्राफ बनाते समय ये गलती नहीं होना चाहिए कि सी बी से ऊपर आ गया, आपने कर्व इतना घुमा दिया कि सी बी से नीचे आ गया, ये नहीं होना चाहिए। ए से लेकर डी तक बढ़ना चाहिए, डी के बाद ई नीचे आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या है, तो बता रहा हूं, पहले नाम लिख लो या पहले समझ लो, आराम से बता देंगे फिर लिख लेना। देखो बच्चों, जैसे कोई रॉड है, ऐसे रॉड है, इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसके ऊपर फोर्स लगाया गया और फोर्स बढ़ाते रहे हम लोग, और फिर उसके इलांगेशन को स्टडी करते रहे, ठीक है ना। ये उसी का ग्राफ है। तो पहले स्ट्रेस हमने बहुत कम लगाया, जब स्ट्रेस जीरो था तो स्ट्रेन भी क्या था, जीरो। अब स्ट्रेस जब हमने बढ़ाया तो उसी के करेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन बढ़ा, फिर हमने जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाया उसके करेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन बढ़ा। तो स्ट्रेट लाइन आने का मतलब क्या है कि कुछ इस तरह का इक्वेशन होगा, वाई बराबर एम एक्स का, यानी ओ से लेके ए तक ये हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है, क्योंकि हुक्स ने ये तो बताया था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, अरे कुछ कॉन्स्टेंट आया था और स्ट्रेन, तो ओ से लेके ए तक ये हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है, यानी स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। तो बच्चों इस ए को कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। कौन सी लिमिट? प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेस की वो वैल्यू, स्ट्रेस की वो वैल्यू जहां तक मटेरियल स्ट्रेस स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शन रहते हैं मटेरियल में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट। मतलब इसके बाद प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि यहां से क्या स्टार्ट हो गया, कर्व स्टार्ट हो गया, कर्व हो गया, ठीक है ना बच्चों। लेकिन ये लिमिट है प्रोपोर्शनल लिमिट। तो जैसे हुक्स लॉ केवल ओ से लेके ए तक वैलिड होता है, उसके बाद हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर और फोर्स लगाया, और फोर्स लगाया बच्चों। तो जब और फोर्स लगाया तो स्ट्रेन, स्ट्रेस और बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो बढ़ने के बाद बी पॉइंट क्या है, तो बी पॉइंट को कहते हैं बच्चों इलास्टिक लिमिट। इस पॉइंट का नाम होता है इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ बच्चों, घबरा मत। इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है कि यहां तक मटेरियल इलास्टिक होगा, यहां तक मटेरियल क्या होगा, इलास्टिक होगा। इलास्टिक का मतलब क्या समझ रहे हैं, जैसे मैं इतने स्ट्रेस तक मटेरियल, इतना स्ट्रेस अगर मटेरियल पे लगाऊंगा तो जैसे ही स्ट्रेस हटाऊंगा मटेरियल वापस अपनी शेप को रिगेन कर लेगा, केवल इस स्ट्रेस तक। लेकिन अगर मैंने इससे ज्यादा लगा दिया तो मटेरियल फिर वापस नहीं आएगा। तो ये वो लिमिट है, मतलब ये बता रहा है। तो देखो बच्चों ए बी और ओ ए में क्या डिफरेंस है, तो देखो ओ ए में मटेरियल इलास्टिक भी है और ये हुक्स लॉ को ओबे भी कर रहा है ओ ए में, लेकिन ए बी में मटेरियल इलास्टिक तो है लेकिन हुक्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इसीलिए इलास्टिक लिमिट इसको कहा है। मटेरियल केवल हुक्स लॉ को ओबे प्रोपोर्शनल लिमिट तक कहता है। और बच्चों इसका जो स्लोप होता है, क्योंकि तो आप देख रहे हैं वाई बराबर एम एक्स में, एम क्या होता है, स्लोप। तो बच्चों स्ट्रेस इज इक्वल टू के इंटू स्ट्रेन, इसका जो स्लोप होता है वो मॉडुलस, इसका जो स्लोप होता है बच्चों वो क्या देगा, वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर ये लॉन्गिट्यूडनल के लिए देख रहे हो, स्लोप मतलब पता है ना, टैन थीटा, इस एंगल का टैन थीटा आपको क्या देगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो दो ग्राफ को देख के भी आप बता सकते हैं किसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा। तो जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका वाई क्या होगा, ज्यादा होगा, याद रखोगे ना बात। जिसका एंगल कम होगा उसका वाई क्या होगा, हाँ। तो ये बात है। अब देखो बच्चों आगे क्या हो रहा है,
अभी रुक से देख लो एक ही बार, फिर खुद लिख लोगे। देखो इधर बच्चों, अगला पॉइंट सी। सी को कहते हैं हम लोग प्लास्टिक लिमिट। सी को हम क्या कहते हैं? प्लास्टिक लिमिट। सी वाले पॉइंट को बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। मतलब इसके करेस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्रेस की वैल्यू है, बेटा ऐसी स्ट्रेस की वैल्यू आएगी ना, तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्रेस की वैल्यू है वो प्लास्टिक लिमिट के लिए है। मतलब वो बोलेगा कि अगर आपने इतना स्ट्रेस लगा दिया, अच्छा प्लास्टिक लिमिट होता क्या है कि इसके बाद मटेरियल विल बिहेव एज प्लास्टिक, मटेरियल विल बिहेव एज प्लास्टिक। सुनो ध्यान से, अब यहाँ पे एक कैच है। मैंने बोला कि सी के बाद मटेरियल विल बिहेव एज प्लास्टिक, मतलब जितना खींच दोगे उतने पर रुक जाएगा, ठीक है ना। सी के बाद तो क्वेश्चन उठता है ना कि बी से सी के बीच में क्या होगा। फिर मैंने बोला सी के बाद जितने भी मटेरियल को खींच दोगे उतने ही रह जाएगा, उतने पर रुक जाएगा, उतने पे, मतलब वापस नहीं आएगा। जितने में जैसे 10 सेंटीमीटर बढ़ा दिया रुका रहेगा, उतना स्ट्रेस लगा के अगर बढ़ाया है तो क्वेश्चन उठता है कि सर बी से सी के बीच में क्या होगा। तो बच्चों बी से सी के बीच में मान लो मैंने 6 सेंटीमीटर खींचा, 2 सेंटीमीटर अंदर चला जाएगा, 4 सेंटीमीटर रह जाएगा। तो इसका मतलब ना तो पूरी तरह से इलास्टिक होगा ना तो पूरी तरह से प्लास्टिक होगा, किसके बीच में? बी और सी के बीच में। हाँ, लेकिन सी के बाद एकदम कंफर्म है कि सी के बाद जितना भी बढ़ाओगे उतने पर रुक जाएगा, वापस नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बच्चों बी से सी पॉइंट हर, देखो ये पूछा था कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्राफ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पोर्शन ऑफ बी सी इन दिस ग्राफ। तो आपको एक्सप्लेन करना होगा कि इस पोर्शन में, ये वाला पोर्शन समझना, इस पोर्शन में मटेरियल विल नाइदर बिहेव एज इलास्टिक आर प्लास्टिक, मतलब उसके अंदर दोनों नेचर रहेगा। आपने हो सकता है कुछ बढ़ाया तो कुछ वापस चला जाएगा, कुछ वापस नहीं जाएगा, क्लियर है। लेकिन सी के बाद कंप्लीटली तो किसकी तरह बिहेव करेगा? प्लास्टिक। तो अगर बोला जाता है कि मैलिएबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी विच विल ऑकर इन विच रीजन ऑफ द ग्राफ। मैलिएबिलिटी आप समझते हैं हम सब लोग, एबिलिटी टू बी बीटन इन सीट। तो बच्चों मैं बोलूंगा सीट में अगर बीट करूं तो वापस न चला जाए, सीट बिल्कुल वापस चिपक न जाए, हम तो यही चाहेंगे ना। या एबिलिटी टू बी ड्रॉन इन वायर, डक्टिलिटी विल ऑकर इन विच पोर्शन ऑफ द ग्राफ। बच्चों इट विल ऑकर बिटवीन सी टू डी, क्योंकि अगर हम तार में खींच दिए तो ऐसा नहीं कि तार वापस चला जाए, फोर्स हटाते, हम तो नहीं चाहेंगे। तो यानी तब आपको इस रीजन में ऑपरेट करना पड़ेगा बिटवीन सी टू डी, समझ में आया ना। तो क्वेश्चन पूछेगा प्लास्टिसिटी एंड मैलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी विच विल ऑकर इन विच रीजन ऑफ द ग्राफ, सी डी। समझ में आया कि नहीं? सी डी तक ऑकर करेगा, सी डी में, मतलब मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों सी डी पर ऑकर कर, मैं लिखवा दूंगा इसको सी डी में। अब देखो बच्चों अगला लास्ट, एकदम इससे हालांकि लास्ट तो ई है। तो बच्चों देखो डी, कलर चेंज कर लेना कंफ्यूजन हटाने के लिए। डी ये वाला पोर्शन है, डी डी बच्चों स्ट्रेस की सबसे ज्यादा वैल्यू होगी। डी वाला पोर्शन इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विच अ मटेरियल कैन बियर, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विच अ मटेरियल कैन बियर। तो इसको बोलते हैं बच्चों मैक्सिमम, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। बच्चों ये मैक्सिमम स्ट्रेस है जो कि एक मटेरियल सह सकता है, उसकी भी तो लिमिट है ना, उसके बाद मटेरियल क्या करेगा? टूट जाएगा। तो ई इज व्हाट? ई इज योर फ्रैक्चर लिमिट। ई इज व्हाट? ई इज योर फ्रैक्चर लिमिट या फ्रैक्चर पॉइंट बोल सकते। ई पे क्या होगा? मटेरियल टूट जाएगा। E पे क्या होगा? मटेरियल टूट जाएगा। देखो D तक मतलब अभी भी मटेरियल टूटेगा नहीं, जैसे अगर फोर्स लगाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो मटेरियल कितने तक बना रह सकता है डिस्पाइट ऑफ ऑल थिंग? D तक। D से ज्यादा अगर तुमने स्ट्रेस लगा दिया, मटेरियल बोला हो गया मेरा अब मैं जा रहा, तो अभी क्वेश्चन बच्चा पूछता है कि सर ई वाला फिर नीचे क्यों आया डी से? ई वाला ग्राफ नीचे ही क्यों आया? डी से ही नीचे क्यों आया? तो बच्चों देखो कोई भी चीज टूटने से पहले एकदम इस बात को समझोगे तो समझ में आएगा। जैसे रॉड पे मैं फोर्स बढ़ाता गया तो टूटने से पहले वो ऐसे पतला होगा कि नहीं? बीच से ऐसे पतला होगा कि नहीं? खींचते जाओ फोर्स लगा के, तो बीच में ऐसे पतला होगा। तो जैसे ही वो पतला हो गया तो कम फोर्स भी लगाओगे तो ज्यादा खींच जाएगा। तो वही बता रहा है कि इस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद आप स्ट्रेस की वैल्यू कम भी कर दोगे तो भी स्ट्रेन ज्यादा होगा, क्योंकि मटेरियल बीच से पतला हो गया। अरे टूटने से पहले कोई मटेरियल को खींचो जोर से तो पतला होता है ना बीच में, उसके बाद टूटता है। तो इसीलिए बीच में क्या बोल रहे हैं कि मटेरियल पतला होगा, कम स्ट्रेस भी लगाओगे तो मटेरियल टूट जाएगा या मटेरियल इलांगेशन करके बढ़ जाएगा, समझा? तो उसका लास्ट में क्या होगा? एक मैक्सिमम स्ट्रेन होगा, उसके बाद मटेरियल टूट जाएगा।
इट इज योर फ्रैक्शन लिमिट। ग्राफ बना के लिख लो और हर पोर्शन का सिग्निफिकेंस लिख लो। जैसे तुम जब एक्सप्लेन करना एग्जाम में ना, तो इसमें पहले लिखना प्रोपोर्शनल लिमिट ए, ग्राफ बना देना, फिर लिखना प्रोपोर्शनल लिमिट ए, उसके बारे में लिखना इट इज द स्ट्रेस अप टू विच मटेरियल विल बी प्रोपोर्शनल। फिर लिखना दूसरा टॉप इसी के अंदर कि इलास्टिक लिमिट बी, इट इज द मटेरियल अप टू विच मटेरियल अप टू विच इट इज द स्ट्रेस अप टू विच या इट इज द पॉइंट अप टू विच, पॉइंट भी कह सकते हो, इट इज द पॉइंट अप टू विच मटेरियल विल बी इलास्टिक। फिर चले जाना सी पे, लिखना प्लास्टिक लिमिट, लिखना इट इज द पॉइंट आफ्टर विच मटेरियल विल बिहेव एज प्योर प्लास्टिक। और डी पे लिखना इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ, लिख लो, चलो 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 चलो, चलो लिखो लिखो, ए लिखो, ए ए लिखो, ए लिखो प्रोपोर्शनल लिमिट, मतलब प्रोपोर्शनल लिमिट ब्रैकेट में ए लिख सकते थे, प्रोपोर्शनल लिमिट लिख लो, इट इज द पॉइंट अप टू विच प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर लिखो बच्चों, पांच नंबर में आएगा एग्जाम में। और आ जाता है बच्चा खुश हो जाता है कि मजा आ गया, क्योंकि तो इसमें कुछ है नहीं, समझ में आ रहा ना बच्चों, एक बार समझने का फिर देखो, इट इज द पॉइंट अप टू विच मटेरियल विल बी इलास्टिक, मटेरियल विल बी इलास्टिक एंड अप, इट इज द पॉइंट अप टू विच प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट ए ब्रैकेट में लिख दो, इट इज द पॉइंट अप टू विच मटेरियल विल बी इलास्टिक एंड विल ओबे द हुक्स लॉ, 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 इट इज द पॉइंट अप टू विच मटेरियल विल बी इलास्टिक एंड विल ओबे द हुक्स लॉ, एंड विल ओबे द हुक्स लॉ, हो गया बच्चों, एंड विल ओबे द हुक्स लॉ, अप टू विच मटेरियल विल बी इलास्टिक एंड विल ओबे द हुक्स लॉ, एंड विल ओबे द हुक्स लॉ, हो गया बच्चों, विल ओबे। अब दूसरा लिखो बच्चों इलास्टिक लिमिट, और ब्रैकेट में लिख देना बी, दूसरा इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट और ब्रैकेट में लिख देना बच्चों पी, इलास्टिक लिमिट ब्रैकेट में बी लिख देना, लिखो लिखो, इट इज द पॉइंट अप टू विच, इट इज द पॉइंट अप टू विच मटेरियल विल बी इलास्टिक, मटेरियल विल बी इलास्टिक, मटेरियल विल बी इलास्टिक, ठीक है ना। अब लिखो प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, इसको ब्रैकेट में लिख लेना सी, लिखो इट इज द पॉइंट आफ्टर विच, इट इज द पॉइंट आफ्टर विच, इट इज द पॉइंट आफ्टर विच मटेरियल विल बिहेव एज, इट इज द पॉइंट आफ्टर विच मटेरियल विल बिहेव एज प्योर प्लास्टिक, इट इज द पॉइंट आफ्टर विच मटेरियल विल बिहेव एज प्योर प्लास्टिक, मटेरियल विल बिहेव एज प्योर प्लास्टिक, इट इज द पॉइंट आफ्टर विच मटेरियल विल बिहेव एज प्योर प्लास्टिक, इट इज द पॉइंट आफ्टर विच मटेरियल विल बिहेव एज प्योर प्लास्टिक, ठीक है ना। अगला लिखो बच्चों मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, नेक्स्ट पॉइंट इसी में, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ब्रैकेट में लिख लेना डी, पॉइंट लिख लेना डी, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, देखो बच्चों इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस विच अ मटेरियल कैन बियर, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस विच अ मटेरियल कैन बियर, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस विच अ मटेरियल कैन बियर, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस विच अ मटेरियल कैन बियर, ठीक है ना बच्चों। ये मैक्सिमम स्ट्रेस होता है जिसको एक मटेरियल बियर कर सकता है, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस विच अ मटेरियल कैन बियर, ठीक है। अगला बच्चों ठीक है ना, क्लियर है। अब अगला लिखो ई, ई लिखो फ्रैक्चर पॉइंट या फ्रैक्चर लिमिट, फ्रैक्चर लिमिट लिखो, फ्रैक्चर लिमिट ई ब्रैकेट में ई लिख लो, इट इज अ पॉइंट आफ्टर विच, इट इज अ पॉइंट आफ्टर विच मटेरियल विल ब्रेक, इट इज अ पॉइंट आफ्टर विच मटेरियल विल ब्रेक, इट इज अ पॉइंट आफ्टर विच मटेरियल विल ब्रेक, इट इज अ पॉइंट आफ्टर विच मटेरियल विल ब्रेक, ठीक है ना। ये वो पॉइंट है जिसके बाद मटेरियल ब्रेक करेगा। अब बच्चे देखो, जब आपको एक्सप्लेन करने आए, करने को आए, तो ये पॉइंट्स ही काफी है बताना, लेकिन कुछ अलग से बातें लिख लो, लिख लो जैसे बी टू सी, ऐसे लिख लो, बी ऐसे बी सी लिख लो,
अलग से, ये एक्सप्लेन करने की स्कूल के एग्जाम में जरूरत नहीं है। अगर कभी पूछे तो बताना, तो रीजन बीसी में क्या होगा, जैसे बीसी लिख लो तो इसमें लिख लो मटेरियल विल बी नाइदर इलास्टिक नार प्लास्टिक, बी टू सी बीसी लिख लो और उसके अंदर लिख लो मटेरियल विल बी नाइदर इलास्टिक नार प्लास्टिक, मतलब ना तो इलास्टिक होगा ना तो प्लास्टिक होगा। सीडी में लिख लो बेटा, बीसी में मटेरियल विल बी नाइदर इलास्टिक नार प्लास्टिक, बीसी में लिखो, बी टू सी वाले रीजन में, अरे ये तो पॉइंट्स बता दिए, कभी रीजन पूछे तो मटेरियल विल बी नाइदर इलास्टिक नार प्लास्टिक, ना तो इलास्टिक होगा ना तो प्लास्टिक होगा पूरी तरह से ना। बच्चो सीडी में लिखो, सीडी में लिखो, सीडी में, बाकी में आपको पता है कि सीडी के बाद तो ये प्लास्टिक हो ही जाएगा, सीडी के बाद प्लास्टिक, लेकिन इसमें लिख लो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे कि मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी विल ऑकर इन दिस रीजन, मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी विल ऑकर इन दिस रीजन, इसी रीजन में मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी ऑकर करेगी, मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी विल ऑकर इन दिस रीजन, इसी रीजन में मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी ऑकर करेगी। ठीक है बच्चों, बस इसमें बात कुछ अलग से बातें। ठीक है चलो, बस अब कुछ क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, देखते हैं बताते हैं। देखो देखो बच्चों, हो गया ना, बना लेना इसको बच्चों। एक क्वेश्चन देखो, जैसे आपको स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ दिया है बच्चों, सिग्मा और एप्सिलॉन का ग्राफ दिया है, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ दिया है, इसमें दो मटेरियल है, एक मटेरियल का ग्राफ ऐसा है ठीक है ना, और एक मटेरियल का ग्राफ ऐसा, ये मान लो ए मटेरियल है, ये मान लो बी मटेरियल है, तो क्वेश्चन है विच मटेरियल इज मोर इलास्टिक, क्वेश्चन लिखो विच मटेरियल इज मोर इलास्टिक, ग्राफ लिखने के बाद विच मटेरियल इज मोर इलास्टिक, विच मटेरियल इज मोर इलास्टिक, इज मोर इलास्टिक, विच मटेरियल इज मोर इलास्टिक, आंसर क्या होगा, ए, जिसका वाई, जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा हो वो ज्यादा इलास्टिक है। ठीक है ना बच्चों, मतलब उसके इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स बहुत स्ट्रांग है, वो जल्दी हिलना नहीं चाहता अपनी जगह से, ज्यादा स्ट्रेस लगाने पे कम स्ट्रेन हो रहा है। बच्चों ग्राफ क्या बता रहा है कि ज्यादा स्ट्रेस लगा रहे हो तो कम स्ट्रेन हो रहा है, मतलब उसके इंटरनल फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, तो वो तुरंत अगर कोई खींच भी लेगा उनको तो तुरंत वापस ले आएंगे, तो इसलिए मटेरियल ए इज मोर इलास्टिक देन मटेरियल बी। रीजन बच्चों स्लोप से आप देख सकते हो कि आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा मटेरियल ए, ठीक है ना, क्योंकि स्लोप ऑफ ए, स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बी, हेंस ए विल बी मोर इलास्टिक। अब जैसे बच्चों मान लो आपको घर बनाना है, ठीक है, घर बनाना है, घर बनाने के लिए आपको दो आयरन बार हैं, उनका आपको जैसे आयरन बार लगता है कि नहीं घर में, अरे पता है ना सरिया लगता है ना आयरन बार, तो अगर आयरन आयरन का सरिया, उसका आपको ग्राफ बताएगा कि ये दोनों ग्राफ है, एक मटेरियल है ये, एक मटेरियल है बी, तो विच मटेरियल विल यू चूज फॉर योर हाउस, ए क्यों नहीं, हाँ तो इलास्टिसिटी ए की ज्यादा है ना, इलास्टिसिटी ए की ज्यादा है कि नहीं बताओ, है तो ए को चूज करना चाहिए ना, बी को क्यों, तो इलास्टिक दैट इज नॉट अ बैड थिंग, तुम इलास्टिसिटी को गलत सेंस में समझ रहे हो। अरे सुनो, अच्छा चलो इससे इससे पहले मेरे एक क्वेश्चन का आंसर, रुक जाओ, विच मटेरियल है बताओ, क्वेश्चन के एक दो, विच इज मोर इलास्टिक रबर और स्टील, विच इज मोर इलास्टिक रबर और स्टील, चलो इसका आंसर करो, विच इज मोर इलास्टिक, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, अरे तुमने ऐसे पता है ना कि सर ने पूछा है तो उल्टा ही होगा, इस लॉजिक से बोला, लेकिन थोड़ा समझ के सोचो कि वाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। देखो तुम लोग एक बार ध्यान से सुनो, मैं अभी लिखवाऊंगा इसका डेफिनेशन, इधर बच्चों ध्यान दो, मेरे कहने का मतलब है कि जो ऐसा मत समझो, जो मटेरियल ज्यादा खींचता है उसको इलास्टोमर कहते हैं, इलास्टिसिटी उसका ज्यादा नहीं होता है,
ऐसे मटेरियल, अभी मैं लिखवाऊंगा इलास्टोमर की डेफिनेशन, उनका ग्राफ भी होता है अभी बताऊंगा, सुनेगा, ऐसे मटेरियल जो कम फोर्स लगाने पे ज्यादा इलांगेशन हो जाए, ऐसे मटेरियल को इलास्टोमर कहते हैं। जैसे हमारा टिश्यू, ठीक है बच्चों, जैसे हमारा टिश्यू भी होता है, जैसे रबर होता है, तो रबर पे आप कम फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा इलास्टिक हो जाता है ना, ज्यादा खींच जाता है ना, तो इसका मतलब ये मत समझो कि जो ज्यादा खींच जाता है वो ज्यादा इलास्टिक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इलास्टिसिटी का मतलब इस बात से नहीं है कि कौन कम फोर्स लगाने पे ज्यादा इलांगेट हो सकता है या कौन ज्यादा इलांगेट हो सकता है, दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, क्योंकि अगर मान लो स्टील को तुम 2 सेंटीमीटर से खींचो और रबर को 2 सेंटीमीटर से खींचो, अगर मान लो इक्वल दोनों का लेंथ है, 2 सेंटीमीटर से स्टील को खींचो, 2 सेंटीमीटर से रबर को खींचो, तो स्टील अपने पोजीशन को पहले रिगेन करेगा रबर से, और बहुत पहले करेगा। मैंने तो समझने के लिए आपको बताया, दैट इज वाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। समझ में आया ना कि अगर इक्वल खींचा जाए स्टील को भी और इक्वल खींचा जाए रबर को भी, तो स्टील अपने पोजीशन को पहले ही रिगेन करेगा। अब इससे ये तुलना मत करो कि रबर तो बहुत ज्यादा खींच सकता है, स्टील उतना खींचा, हाँ दैट इज ओके, अपने लेंथ का वो 300-400 गुना खींच सकता है रबर, बट स्टील नहीं खींच सकता उतना, लेकिन उससे मतलब नहीं, उसको तो इलास्टोमर, उसको तो अलग कैटेगरी में ही डाल दिया गया। समझ में आ रहा ना? तो रबर से कभी भी कोई नहीं समझेगा कि जैसे अभी कह रहे हैं कि घर इलास्टिक हो जाएगा, अरे ऐसे मतलब नहीं है इलास्टिक होने का मतलब, तो हमारे समझ रहे हो कि नहीं बात पहले तुम, अभी मैं लिख, और वैसे भी तुम अगर पढ़ोगे तो y of स्टील इज वे ग्रेटर देन द y of रबर, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? अरे यहां तक बात समझ में आ रहा है, इधर ध्यान दो, तुम कौन से मटेरियल को प्रीफर करोगे, क्वेश्चन फिर से वापस आओ, क्वेश्चन कौन से मटेरियल को प्रीफर करोगे, ए या बी? ए या बी, कौन से मटेरियल को चूज करोगे घर, ए से कि बी से? गधे हो तुम लोग क्या यार, पिलर्स में सब जगह, तो ए से नहीं, घर बनाएंगे बी से, लेकिन रीजन समझ लो गधे, रीजन समझो, इधर ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है इसका बच्चों, ए मटेरियल इज मोर इलास्टिक देन बी, स्टील वी विल प्रिफर बी, व्हाई? सुनो इधर ध्यान से बच्चों, ये मैक्सिमम, इधर बात नहीं करेगा कोई, एकदम ध्यान सुनो, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस जाने के बाद, इधर ध्यान दो, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस जाने के बाद ए वाला तुरंत टूट जा रहा है, ए वाला तुरंत क्या कर रहा है, टूट जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस जाने के बाद पहले बी वाला खींच रहा है, उसके बाद टूट रहा है। तो इसका मतलब जैसे मान लो छत पे अचानक बहुत ज्यादा लोड आ गया, तो अगर ए वाला मटेरियल रहेगा तो तुरंत टूट के नीचे आ जाएगा, सुनो, अगर, लेकिन अगर बी वाला मटेरियल रहेगा तो टूटने से पहले लटकेगा, तो तुम्हें भागने का मौका मिलेगा। समझ आ रहा है? बी वाला मटेरियल जो होगा वो टूटने से पहले लटकेगा, अचानक नहीं टूटेगा, वो पहले ऐसे लटकेगा, तो तुम भाग सकते हो ना, इसी वजह से बी विल बी प्रिफर। अरे गधे हो तुम लोग, ध्यान देना इस बात को, इन कंस्ट्रक्शन लिख लो गधे, सब गधे, इन कंस्ट्रक्शन बी विल बी प्रिफर्ड। इसका रीजन खुद लिख लेना कि आफ्टर अटेनिंग द मैक्सिमम स्ट्रेस ए विल ब्रेक इमीडिएटली बट बी विल ब्रेक आफ्टर इलांगेशन, इन कंस्ट्रक्शन बी विल बी प्रिफर्ड बिकॉज आफ्टर अटेनिंग द मैक्सिमम वैल्यू ए विल ब्रेक इमीडिएटली बट बी विल ब्रेक आफ्टर इलांगेशन, इसलिए बी को प्रिफर किया जाता है। अगर इसका ग्राफ है याद रखना, कौन प्रिफर किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, उसका लॉजिक दूसरा। लिखो क्या होगा, रुद्र लिख लिए, ठीक है, चलो आगे चले बच्चों, लिखो इलास्टोमर्स, हेडिंग डालो इलास्टोमर्स, लिखो दिस, दीज आर द मटेरियल,
दीज आर द मटेरियल विच शोज, द मटेरियल विच शोज लार्ज स्ट्रेन, लार्ज स्ट्रेन विच शोज लार्ज स्ट्रेन इवन फॉर, लार्ज स्ट्रेन इवन फॉर ए स्मॉलर, इवन फॉर ए स्मॉलर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस. शोज दर्शाते हैं, इवन फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, इवन फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, इवन फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस. एग्जाम्पल ए रोटा टिश्यू, ए रोटा. अंसे बात है कहाँ होता है बेटा ये? हाँ भाई, अरे ठीक है, ए वो होता है क्या? चलो भाई बायो की स्टूडेंट बता रही है, मान लेता हूँ. ए बोलो, ए ओ, ठीक है, कहाँ पे होता है? सही बात है, एरोटा टिश्यू हार्ट में होता है इंसान के. इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ, ग्राफ आएगा, सुनो, इलास्टोमर का ग्राफ आएगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन. बस नेचर बनाने को आएगा, ऐसे बना, थोड़ा सा स्ट्रेस लगाओगे बहुत ज्यादा स्ट्रेन होगा, बना दो, ये आएगा इंपॉर्टेंट है ग्राफ. बोट्स तुम्हारा होगा ही नहीं, अरे इलेवेंथ में तो नहीं होगा ना. हो गया, लिख लिया. अरे बोलो हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ मेरे को. लिखो, एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. इलास्टिक फोर्स कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव? अगर कंजर्वेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. मैंने बोला था जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स है उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आती है. तो सुनो एकदम ध्यान से, ये मेटल का रॉड है, इसे फोर्स लगाया एफ, इसके वजह से इलांगेट हो गया डेल्टा एल. ठीक है, इलांगेट हो गया डेल्टा एल. तो बच्चों इसका जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इनटू, फोर्स इनटू एवरेज इलांगेशन. एवरेज इलांगेशन, ठीक है ना. तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? तो बच्चों ये जो इलांगेशन है ना वो लिनियरली इंक्रीज करता है, लिनियरली. जैसे फोर्स लगाओगे वैसे उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेन बढ़ता है ना, लिनियरली. मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? F by A equal to Y into delta L by L होता है ना. तो बेटा अगर F बढ़ाओगे तो लिनियरली उसके साथ कौन इंक्रीज कर रहा है? डेल्टा एल. तो शुरू शुरू में इलांगेशन कितना था? जीरो. आफ्टर ए सर्टेन टाइम मान लो फाइनल इलांगेशन कितना आ गया? डेल्टा एल. तो इसका एवरेज निकालोगे F into एवरेज इलांगेशन, तो फॉर्मूला कितना आएगा? जीरो प्लस डेल्टा एल अपॉन टू. देखो इस, हाँ सर्कल करा, अरे बताया था कि लीनियरली इंक्रीज कर सकता है. तो जब कोई चीज लीनियरली इंक्रीज करती है तो उसका एवरेज आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं. ये एवरेज इलांगेशन है ना, तो लीनियरली इंक्रीज करे तब. हमेशा इलांगेशन डेल्टा एल थोड़ी था, पहले कम था, बढ़ते बढ़ते डेल्टा एल हुआ है, ठीक है ना. तो एवरेज इलांगेशन डालेंगे. तो यहां वर्क का पहला फॉर्मूला आ गया, वर्क का पहला फॉर्मूला आ गया हाफ इनटू वर्क जो किया गया वही पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा. बच्चों दैट इज आल्सो योर यू, वर्क इज इक्वल्स टू हाफ इनटू एफ इनटू डेल्टा एल. ये पहला फॉर्मूला है, यू क्या है आपका? पोटेंशियल एनर्जी. ये पहला फॉर्मूला देखो, अगर ये समझ लोगे सब कुछ याद रहेगा, फॉर्मूला नहीं तो इसका भूल जाएगा.
ये समझ लोगे सब कुछ याद रहेगा, नहीं तो फॉर्मूला भूल जाएगा। वो कॉन्सेप्ट की फोर्स लगाया, एवरेज इलांगेशन कितना होगा, 0 + Δ L/2। अब इसके बाद देखो बस कुछ खेल करेंगे, हो गया। आओ एक काम करते हैं, U इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एफ के नीचे ए डिवाइड कर देता हूं। जानबूझ के कर रहा हूं, पता है क्यों? क्योंकि क्या बनाना है मुझे, स्ट्रेस बनाना है। अरे गधे हो क्या, स्ट्रेस बनाना है ना। ए डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, स्ट्रेस बनाना है। तो डेल्टा एल के नीचे क्या रखूंगा, डेल्टा एल के नीचे क्या रखूंगा, लॉजिक से बताओ। अरे डेल्टा एल के नीचे क्या रखूंगा, एल। क्यों, क्योंकि क्या बनाना है, स्ट्रेन बनाना है, इसको स्ट्रेस बना दिया। तो ए इंटू ए और एल आपने अपने से लाया है ना, तो ए ए तुम लोग अलग अलग बैठो, तो अलग अलग बैठो, चलो हटो 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 हटो, चलो तुम लोग अलग अलग बैठो, सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो, चलो नहीं वो सब बात ही नहीं कर रहे, चलो तुम लोग हटो 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 आंसर हटो हटो तुम हटो, अरे हटो चलो, अरे ये सब चलो चलो क्लास चलो अंश काटो तुम वहां से, नहीं नहीं चलो चलो हटो हटो, अरे स्टिक कहाँ गया जी, ले आओ भी बताता हूँ। तुम लोग हमेशा क्लास में, बाय डिफॉल्ट रूल है, तुम लोग हमेशा अलग बैठोगे, हमेशा बाय डिफॉल्ट रूल है। अगर अगली क्लास से अगर सेम बैठ गए तो दोनों को दो दो स्टिक। बच्चों देखो यहाँ ए इंटू एल, ए इंटू एल मैंने अपने तरफ से मल्टी, ए इंटू एल मैंने अपने तरफ से डिवाइड किया है ना, तो बच्चों ए इंटू एल मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना। तो देखो यहां से फॉर्मूला बना, देखो तुम लोग गधे हो, ये फॉर्मूला तुम्हें कभी याद नहीं होगा, ये याद हो जाएगा, और उसके बाद मैं बता रहा हूं कि ये कैसे आया है, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, ये फॉर्मूला भूल जाएगा तुम्हें, ऊपर वाला याद रहेगा। बस मैं तुम्हें टेक्निक बता रहा हूं कि तुम सीख जाओ कि इससे कैसे स्ट्रेस बनाएंगे, कैसे स्ट्रेन बनाएंगे। तो एफ बाई ए कितना होगा, हाफ इंटू सिग्मा इंटू एप्सिलॉन इंटू ए इंटू एल, क्या हो जाएगा वॉल्यूम, बेटा ये एरिया है और एल क्या है, लेंथ है, तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा वॉल्यूम, तो अगर ये वॉल्यूम हो जाएगा तो इंटू वॉल्यूम भी लिख रहा हूं। ये फॉर्मूला एक और बना, U इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सिग्मा इंटू एफ साइलेंट इंटू वी। अभी एक और फॉर्मूला बनाऊंगा, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तुम बस जिसको ऊपर समझना, बस ऊपर वाला है, ये नीचे का बिना मतलब का करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल इसके ऊपर आता है, बाकी समझना तो ऊपर वाला है बस। बाकी देखो तुम लोग का क्वेश्चन है स्ट्रेस स्ट्रेन और वी दे देगा, निकाल नहीं पाओगे, या बोलेगा फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोले तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। वाओ गधा गधी गधी एकदम, अब जेंडर का भी ध्यान रखा जाएगा। देखो इसको एक और तरीके से लिख रहा हूं, इसको मैं एक और तरीके से लिख रहा हूं, हाफ इंटू वाई इंटू हाफ इंटू वाई इंटू एफ साइलेंट स्क्वायर इंटू वी, कैसे हुआ मुझे बताओ। आगे समझ में, रटना नहीं है। अरे सिग्मा को तुम लोग नहीं लिख सकते वाई इंटू ई, अरे सिग्मा क्या होता है एफ बाई ए, अरे ये अभी तो लिखे थे डेल्टा एल बाई एल, नहीं तो फॉर्मूला एक और बन गया। देखो याद नहीं गया, अगर समझ लोगे तो याद करने में आसान रहेगा, रटोगे तो वैसे ही जिंदगी बेकार है। कितना ही रट लोगे, हो गया।
अब क्या हो गया, लिख लो बच्चों, हो गया ना, लिख लिया ना। चलो एक लास्ट टॉपिक कर लो फिर जल्दी से। एक लास्ट टॉपिक कर लो, कुछ छूटा तो नहीं, स्कूल के टीचर ने और तो कुछ नहीं पढ़ाया था ना। क्या हुआ, एक छोटा सा टॉपिक बता दे रहा हूं बस। हाँ हाँ एप्लीकेशन ऑफ देखो, एक छोटी सी बात है बताता हूँ, फटाफट देखो। थ्री डी शेप है क्या इसके अंदर? क्या कह रहे हो, मैं बनाऊं हाथ से? बच्चे अलग अलग चैलेंज सामने रख देते, बताओ। मैं तो खुद ही सोच रहा था हाथ से ना बनाना पड़े। लेकिन अब क्या करें, लो बना दिया। अरे दो रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बना, उसके साइड में एक और रेक्टेंगल बना दो, ऐसे बड़ी बात थोड़ी। मैं नहीं बना रहा, अपना अपना करो तुम। इधर से ध्यान से सुनो इधर, अरे बना लेना ड्राइंग करके खुद से, हो गया ना, नहीं हुआ ना। देखो इधर ध्यान से बच्चों, जैसे मान लो ये कोई हाईवे है, फ्लाईओवर है बच्चों, ये फ्लाईओवर है, ध्यान दो इधर, और यहां पे दो पोल है, ये फ्लाईओवर है, एक गधो इधर ध्यान, क्या हो गया मतलब। चलो बाहर, चलो बाहर निकलो क्लास के, बाहर निकलो क्लास के, अब अगली बार बाहर क्लास के पीयू, अगली बार क्लास के बाहर। बेटा यहाँ पे एक वेट, ऐसे मान लो इस पे कार वगैरह चलेगी तो इस पे वेट पड़ेगा ना, ये हाईवे है, इसके ऊपर कार वगैरह चलेगी तो ये वेट पड़ेगा, तो ये हाईवे सैग हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सैग। इसको डेल से डिनोट कर रहा हूं। ये हाईवे क्या कर सकता है, सैग कर सकता है। जैसे अगर दो पिलर, दो पोल है, जैसे तो फ्लाईओवर देखा है कि नहीं देखा है, उसके अंदर दो पोल होता है, उसके ऊपर इस तरह से कंक्रीट का एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ऐसा होता है ना, तो अगर बीच में वेट ज्यादा पड़ेगा तो ये ऐसे दब सकता है, फ्लोर ये नीचे आ सकता है जो रोड है। बच्चों इसको मिनिमाइज किया कैसे किया जाए, इसकी स्टडी की गई, तो इसकी स्टडी की गई, तो इस वाले स्ट्रक्चर में ये एल है, ये क्या है, लेंथ ऑफ द, मतलब दो पोल के बीच में कितना लेंथ है, इस स्ट्रक्चर में एल ये है, ठीक है ना। फिर देखो बच्चों, ये जो है वो बी है, ये वाला जो देख रहे हो ये बी है,
और ये जो देख रहे हो वो डी है, मतलब वो जो रोड की थिकनेस है वो क्या है, डी है। नहीं फिल कर पा रहे हो ना? अरे डी थिकनेस है रोड की, डी क्या है रोड की थिकनेस है, और बी क्या है 3 लेन है 6 लेन है, तो उसके हिसाब से बी बढ़ता जाएगा। समझ आया ना? 3 लेन 6 लेन के अकॉर्डिंग बी बढ़ता जाएगा, यानी बी की वैल्यू डिपेंड कर रही है कि कितना चौड़ा रोड है। अरे गधे हो क्या तुम? तो बी क्या बता रहा है? बी बता रहा है कि रोड कितना चौड़ा होगा, ठीक है ना, वो बता। तो जब इसके स्टडी की, तो इसका फॉर्मूला है बच्चों सैग का डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 4YBD³, 4YBD³। लिखो फॉर्मूला, इस सैग का फॉर्मूला है डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 4YBD। ये एक्सपेरिमेंटल है, डिराइव नहीं किया गया, इसीलिए इसको नहीं बता रहे, ठीक है ना। फैक्टर्स को डब्ल्यू एल क्यूब, एल क्या है समझना है, वो जो दो पोल के बीच में कितना डिस्टेंस है। बी थ्री लेन नहीं गधे, जिसपे कार जाती है वो बी है। देना यार कोई बुक वुक, देना बुक, देना कोई बुक, देना दो। जैसे मान लो ये हाईवे है, ये हाईवे है, तो हाईवे पे कार ऐसे जा रही है, इस तरह से कार जा रही है, तो बी क्या होगा, बी ये वाला पोर्शन बी, ठीक है ना। डी क्या है, ये वाला पोर्शन, और एल क्या है, ये वाला पोर्शन। ये दो पोल के बीच में ऐसे रखा हुआ है, यहाँ नीचे ऊपर दो पोल है, तो एल ये वाला सेक्शन। तो जितना, अब यहां से खुद भी समझ सकते हो ना, एल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा सैग होगा, होगा कि नहीं, क्योंकि एल की वैल्यू ज्यादा होगी तो बच्चे बेंड ज्यादा होगा, तो एल की वैल्यू कम रखनी है। समझ में आएगी नहीं? दूसरा, मटेरियल जितना स्ट्रांग होगा उतना सैग की वैल्यू कम होगी, इसीलिए वाई देखो नीचे आया है। अगर बी बढ़ा दो, बी बढ़ा दो मतलब लेंस बढ़ा दो, मतलब इसको और चौड़ा कर दो, इसको और चौड़ा कर दो, तो भी सैग कम हो जाएगा, या रोड के थिकनेस को बढ़ा दो उससे भी सैग कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब तरीके हैं सैग को कम करने के लिए। इसीलिए ऐसा स्ट्रक्चर ना प्रीफर करके आई शेप का स्ट्रक्चर प्रीफर किया जाता है। हाँ मैं बता रहा हूं, याद रखना, पूछा गया इसमें बच्चों ऐसा स्ट्रक्चर ना प्रीफर करके आई शेप का स्ट्रक्चर प्रीफर किया जाता है, ठीक है। लिख लिए इसको, लिख लेंगे नहीं, फॉर्मूले लिख लिए ना। तो ऐसा स्ट्रक्चर प्रीफर नहीं किया जाता, आई शेप का किया जाता। तो आई शेप का क्या मतलब है बता दे रहा हूं। देखो आई शेप, गड़बड़ हो गया, लेकिन इसको मैं सीधा कर, तो बच्चों ऐसे स्ट्रक्चर को प्रिफर किया जाता है। जैसे अगर उस वाले स्ट्रक्चर को मैं इस तरह से वर्टिकल कर दूं तो ऐसा आएगा ना, इस वाले स्ट्रक्चर को, इसमें थोड़ा समझ में आपको नहीं आ रहा होगा इसलिए ऐसे बनाया कि लेंथ से ऐसे वर्टिकल कर दूं। तो बच्चों इस ऐसा स्ट्रक्चर प्रीफर ना करके वाई आई शेप का स्ट्रक्चर प्रीफर किया जाता है, आई शेप का स्ट्रक्चर। ये नहीं समझ आ रहा? देखो जैसे इसको ऐसे सीधा कर दो, सीधा इसको ऐसे पकड़ो, सीधा कर दो, तो सीधा कर दोगे तो इस पे कार जा रही, समझ रहे हो कि नहीं? इसको ऐसे सीधा करने पे कार, बच्चे ये बी है, ये वाला लेंथ क्या है, बी है, गधे है सब। ये वाला लेंथ क्या है, बी है, बी समझ रहे हो ना क्या था, ये वाला लेंथ बी है। तो इसीलिए तुम देखते हो ना साइड साइड से, साइड साइड से वो हाईवे ऐसे, मतलब साइड साइड में ऐसे कर्व होता है, ऐसे देखो ना साइड में जाके ऐसे कर्व होता है, और नीचे भी देखोगे तो ऐसा ही होता है। मूर्ख हमारे क्लास में बैठे हुए तो हम क्या कर सकते हैं। गधों को मैं दिखा देता हूं।
अब लो चाइना का फ्लाई ओवर आ गया, क्या नॉर्थ इंडिया मूर्ख है एकदम सब। अरे यहां तुमने ये साइड साइड में नहीं देखा, ये बीच में हाईवे आके ये साइड साइड में नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट जो दिख रहे थे ये ब्लैक एंड येलो, वो साइड साइड में ऐसे जाएगा। अगर इसको सामने से इधर से देखोगे तो ये आई शेप का दिखेगा कि नहीं दिखेगा, इधर उसका एक आई का ये वाला पोर्शन जैसे आई है, गधी रुक जाओ। देखो बच्चे आई के दो पोर्शन ऊपर वाले है ना, वो कहां कहां है इस आई में, ये वाला एक पोर्शन है और ये वाला एक पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन जो देख रहे हो ये वाला है, मतलब ये किनारे पे इसकी थिकनेस ज्यादा होती है इसकी और बीच में कम होती है। समझ में आया, चैप्टर खत्म। चैप्टर खत्म। क्या रह गया? कोई बात नहीं, चैप्टर खत्म हो गया। अब अगले क्लास में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड होमवर्क, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन। तो छुट्टियां मिली है तो क्या मतलब, घर पे कुछ पढ़ाई लिखाई भी कर लिया करो। एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन इसका नहीं हो क्या है ना, चेयर बनाऊंगा 8 मिनट। अरे मैंने बता दिया, अब सीधे सीधे आना है मंडे को, कल नहीं आना, मंडे को आना है सीधे। ठीक है, ठीक है बच्चों, जाओ।